समाज ने बेतुकमा उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। युवती व महिलाओं ने फूलों के बीच माता की फोटो रखकर पूजा और नृत्य किया। गुरुवार की रात में बतुकम्मा का श्रद्धा भाव से विसर्जन किया गया। तेलुगु समाज में बतुकम्मा को विशेष महत्व है। समाज की महिला व युवतियां डांडिया नृत्य की तरह इसमें नृत्य करती है। यह आनंद उत्सव पूरे जिले में चला। राजरा के कई चौकों में इसका आयोजन हुआ। गुगुस में कई स्थानों पर बतुकम्मा का आयोजन हुआ। यह उत्सव तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पारंपरिक उत्सव है। इस उत्सव को फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। महिलाओं ने फूलों से बतुकम्मा बनाकर उसके महागौरी के रूप में पूजन किया। दुर्गा अष्टमी को इसका समापन हुआ। शास्त्री नगर, गांधी नगर, सुभाष नगर, रामनगर, साई नगर सहित अन्य स्थानों पर इसकी धूम रही। बल्लारपुर में भी यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। तेलुगु भाषी महिलाओं ने जगह जगह पर इसका आयोजन किया। यहाँ की महिलाओं ने अष्टमी को बतुकम्मा का विसर्जन किया। बस्ती विभाग में इसकी धूम रही। त्योहार जो है तेलंगाना के तेलुगु लोग तेलुगु भाषी मनाते हैं जोर शोर से। ये नवरात्र के समय पे आता है और बेसिकली गौरम्मा देवी यानी माता जी का पूरा जो है उसका सम्मान करते हुए करते हैं। और ये मधुर संबंधों के भाई बहन, बहन बहन, हस्बैंड वाइफ और एक फैमिली का जो है पूरा व्यवहार है। और इस बतुकम्मा जो है पिछले 2 साल से कोविड के कारण यहाँ मनाया नहीं गया है। इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने के बाद थोड़ा सा सभी चीज़ें निबंधों को और सरकार का नियमों का पालन करते हुए महिलाएं जोर शोर से मनाने के लिए आगे हैं। और देवी को याद करते हुए और सभी बाल बच्चे यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुए हैं पूरा बतुकम्मा को लेकर। यहाँ पे देवी माँ का ऑर्गेनाइजेशन जो है कृष्णा जी, हृदय चिंतल यादव जी और BCN न्यूज़ के लिए चंद्रपुर से संवाददाता की रिपोर्ट।